इंसान अमल करता है ना, नेक काम करता है ना, लेकिन अगर नीयत लेवजिल्लाह ना हो, ये नमाज आपने पढ़ी, नीयत अल्लाह की खुशनीदी ना हो, नीयत ये ना हो कि नमाज ये अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है, नमाज ये मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा, इसलिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर नीयत ये ना हो, नीयत ये हो कि लोग हमको नमाजी समझेंगे, लोग हमको नमाजी समझेंगे, तो यहाँ ये नमाज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हुई कि रियाकारी के लिए हुई? रियाकारी के लिए हुई। अब जिस अमल में रिया नमूद पाया जाए वो अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल ना होगा और वो नेकी ज़ाय हो जाएगी, उसका कोई आपको अजर व सवाब नहीं मिलेगा। मुसनद अहमद की वो हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अखवफ मा अखाफ अलैकुम अश्शिर्कुल असगर, कालू या रसूल अल्लाह वमा अश्शिर्कुल असगर, قال الرياء ان الله تبارك وتعالى يقول يوم تجادل العباد باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون باعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों के बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का मुझे डर है वो शिर्क असगर है। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, ये बेदार मग़्ज़ लोग थे, कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी फ़ौरन पूछते थे, शर्म नहीं महसूस करते थे। सहाबे कराम कहते हैं, या रसूल अल्लाह वमा शिर्कुल असगर, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शिर्क असगर, ये छोटा शिर्क क्या है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी, रियाकारी ये छोटा शिर्क है। अल्लाह तबारक ताला क़यामत के दिन जब बंदों के आमाल की जज़ा उनको दी जाएगी तो अल्लाह तबारक ताला कहेगा कि जाओ उन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम दुनिया के अंदर बहुत सारे आमाल किया करते थे, तो देखो उसका बदला तुम पा रहे हो उनके पास। नेकियों का बदला कौन देने वाला है? अल्लाह देने वाला है, कोई दे सकता है? तो अल्लाह ताला कहे, जाओ जिनको तुम दिखाते थे और जिनके लिए तुम नेक काम करते थे, जाओ देखो वहाँ तुमको बदला मिलेगा। तो मालूम ये हुआ कि नेकियों की हिफाजत अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिया और नमूद से आपको बचना होगा।